कि आज के नए दौर में ये को मोबाइल इंडिया चला है आजकल, ये मोबाइल पर क्या से क्या व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज किसके बारे में क्या फायदा देगा कोई नहीं जानता। तो देश एक नई चुनौती से जूझ रहा है और हम ये इसलिए कहना चाहते हैं कि ये बिहार विधान परिषद का सभागार है और हमको इस बात का गौरव प्राप्त है कि देश का ये पहला सदन है जिसने शताब्दी वर्ष पूरा किया हो और उस सदन को इस बात का गौरव है कि मोहम्मद यूनुस साहब जैसे व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं इस पूरे विधानमंडल परिसर में उनका भी आशीर्वाद इस सदन को मिलता रहा है। इनको आज के तिथि में संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्य के मुख्यमंत्री कहा जाता है। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब के 140वां जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे जनाब कासिफ यूनुस साहब जो परपौत्र हैं बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब के, और इस कार्यक्रम में समुपस्थित हम लोगों के बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्याम रजक जी, इस कार्यक्रम में समुपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री जनाब डॉक्टर समीम अहमद साहब, डॉक्टर फारूक अली साहब कुलपति, हम लोग के संघर्ष की साथी माननीय शशि यादव जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के विधायक दल के नेता जनाब महमूद आलम साहब, इस कार्यक्रम में समुपस्थित जनाब रियाज अदीश साहब, बिहार विधान परिषद की पूर्व सदस्य नादिश रोजना नादिश जी, जनाब खालिद अनवर साहब विधान पार्षद और कौमी तंजीम के संपादक अशरफ फरीद साहब, हम लोगों के सादर अभिभावक और जिनके अभिभावकत्व में हम लोगों ने विद्यार्थी जीवन में राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत की, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और न्यायपालिका के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माननीय योगेश चंद्र वर्मा जी, कार्यक्रम में शामिल हमारी पार्टी के साथी माननीय राजेंद्र भट्ट जी, जिला सफदर साहब, यूथ कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मंजीत आनंद साहू जी एवं सभागार में उपस्थित साथियों, विस्तार से विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की। हम आज ऐसी शख्सियत की अकीदत में आए हैं और उनको नमन करने के लिए आए हैं कि जब आज देश के अंदर में ये बहस का विषय जो बन रहा है कि लोकतंत्र की चुनौतियां, नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के इतिहास की जानकारी होना, क्योंकि आज के नए दौर में ये को मोबाइल इंडिया चला है आजकल, ये मोबाइल पर क्या से क्या व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज किसके बारे में क्या फायदा देगा कोई नहीं जानता। तो देश एक नई चुनौती से जूझ रहा है और हम ये इसलिए कहना चाहते हैं कि ये बिहार विधान परिषद का सभागार है और हमको इस बात का गौरव प्राप्त है कि देश का ये पहला सदन है जिसने शताब्दी वर्ष पूरा किया हो और उस सदन को इस बात का गौरव है कि मोहम्मद यूनुस साहब जैसे व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं इस पूरे विधानमंडल परिसर में उनका भी आशीर्वाद इस सदन को मिलता रहा है। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं मित्रों कि पंडित नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब लिखा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोगों को इस बात की जानकारी हम समझते हैं, हम तो उनके परपौत्र से भी यह विनती अनुरोध करेंगे कि जरूर इन बातों की जानकारी नई पीढ़ी के लोगों को होना चाहिए। पंडित नेहरू ने जो मोहम्मद यूनुस के द्वारा लिखी गई जो किताब है उसमें उन्होंने फॉरवर्डिंग लिखा था, उन्होंने आलेख दिया था उसमें, और उनका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी समेत अन्य लोगों के जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 19 पन्नों में मोहम्मद यूनुस का जिक्र है। ये मोहम्मद यूनुस की व्यक्तित्व का व्यक्तित्व था कि पंडित नेहरू को अपने लिए केवल नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ भी पत्राचार करते थे, उसमें भी उनके बारे में लिखते थे कि इस आदमी का कैसा शानदार और जानदार व्यक्तित्व है। क्योंकि नई पीढ़ी के लोगों को नहीं मालूम है तो पंडित नेहरू को ही लोग किस किस रूप से पेश कर रहे हैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मोहम्मद यूनुस जैसे एक विराट व्यक्तित्व के मालिक और देश की उन्मादी राजनीति जो आ जाए, जो उन्मादी राजनीति में देश में एक दूसरे के पूरक लोग बनते जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस ने जो फैसला लिया अपने राजनीतिक जीवन में वो अभी नई पीढ़ी के लोगों को जानना चाहिए।
बिहार में जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग जब चुनाव में हारने वाले 1937 में जब बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ, मोहम्मद यूनुस की पार्टी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी को 20 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि मुस्लिम लीग को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये मुस्लिम लीग के लोग हैं जो देश की सियासत के अंदर में धर्म का जाल बोल रहे हैं। उन्होंने इसका प्रतिकार किया, कहा कि ऐसे लोगों के साथ मोहम्मद यूनुस जैसा व्यक्ति नहीं रह सकता है। जो देश के अंदर पैदा लिया वो हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए मुस्लिम लीग को कहा कि तुम टाटा बाय बाय, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों कि उन्मादी राजनीति देश के अंदर चल रही है। कौन किससे गाइडेड हो रहा है ये सब कोई जानता है, कौन किसके पेरोल पर है ये सब लोग जान रहे हैं। मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं, आप तो लोकतंत्र की चुनौतियां बोल रहे हैं,